शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कोसे कजाक का खुशगवार नजारा। लाहौरियों के दिल खुश हो गए, ठंडी हवाओं ने भी गर्मी का जोर तोड़ दिया। लॉरेंस रोड, बागबानपुरा, मजंग, शादमान, समनाबाद, इछरा और दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश से लेस्को के 90 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। मुतासिर होने वाला बिजली का तरसीली निजाम तहाल दुरुस्त ना हो सका। शाहदरा टाउन, मुस्लिम पार्क, टाउनशिप समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। बिजली की तवील बंदी से मुतासर मकामात के शहरी बिलबिला उठे। मानसून सीजन शुरू हो गया, नालों की सफाई का अमल मुकम्मल ना हो सका। चुंगी अमर सद्दू की ड्रेन तहाल तवज्जो की मुंतजर। हुकाम के दम तवज्जो है कि बाईस ड्रेन में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। गंदा पानी घरों में दाखिल होता है, अहले इलाका का आला हुकाम से ड्रेन की सफाई का मुतालबा। शहरी इंतजामिया की 12 आर्जी मवेशी मंडियों के लिए तैयारियां जारी। चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मंडियों में 13,34,000 जानवरों की खरीदो फरोख्त का तखमीना। सैयद अली अब्बास बुखारी का LDACD मवेशी मंडी के लिए मुख्तस साइट का दौरा। हुकाम की ब्रीफिंग, चीफ कॉरपोरेशन ने मौके पर हिदायत जारी की। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का बड़ा फैसला, लाहौर की डिस्पेंसरीज को नजदीकी DHQ हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मेटरनिटी हॉस्पिटल पाथी ग्राउंड के साथ 14 मराकज़ सेहत को मुंसलिक किया गया, जबकि गवर्नमेंट समनाबाद हॉस्पिटल के साथ 30, आई हॉस्पिटल स्वामी नगर के साथ 7, शाहदरा हॉस्पिटल के साथ 16 और गाजियाबाद हॉस्पिटल के साथ 10 मराकज़ सेहत को मुंसलिक किया गया। कोरोना के बाद जब तक स्कूल बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स की फीसों में 20% रियायत बरकरार रहेगी। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का ट्विटर पैगाम, फीसों में कमी ना करने पर वालिदैन को मुतल्लिका जिले के CEO एजुकेशन से राबिता करने की हिदायत। PIA का फजाई ऑपरेशन बहाली की जानिब गामसन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर और कोयटा के लिए प्रवासों में इजाफा। लाहौर और कराची के माबैन रोजाना प्रवास चलाई जाएगी। सऊदी अरब, वस्ती एशियाई रियासतों और इराक के लिए खसूसी प्रवासें जारी। PIA के पायलट्स और परवाजों पर यूरोपीय यूनियन में पाबंदी का मामला। जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर की यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक PIA की जानिब से IASA को वर्किंग प्लान पेश किए जाने पर इत्तेफाक। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस बहाल कर दी। गुज़श्ता रोज गैस की किल्लत की वजह से पंजाब भर के CNG स्टेशन को गैस बंद कर दी गई थी। लाहौरियों के लिए गर्म और हदशुदा मौसम में खुशखबरी, तामीराती और तरक्याती काम के लिए किसी इलाके में बिजली बंद नहीं की जाएगी। टेपको ने मुजवजा कामों के लिए शटडाउन पर पाबंदी लगा दी। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज सट्ठा को मरासला अरसा, जुलाई के मंजूर शुदा शटडाउन पर अमल की हिदायत। पंजाब को 70 साल में पहली बार बिजनेस हब बनाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। 2 वर्ष में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर काम शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक जोन्स 10,000 एकड़ रकबे पर कायम होंगे। वजीर अला पंजाब ने मनसूबे को गेम चेंजर करार देते हुए मजीद कहा कि सनअती जोन्स के क्याम से 550 इंडस्ट्रीज में 10,00,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। सनअतकारों के लिए खुशखबरी, वजीर सनअत असलम इकबाल ने वजीर आजम से कायद आजम बिजनेस पार्क के अफ्तिताह के लिए वक्त मांग लिया। 1,536 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल बिजनेस पार्क में 200 एकड़ रकबे पर लेफर कॉलोनी भी तामीर की जाएगी। सिडनी ट्रैफिक पुलिस ने वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अच्छी शोहरत, अच्छे टर्नआउट और फर्ज शनासी पर 5-5 पॉइंट्स, शहरियों की मदद करने और कानून शिकनी रोकने पर 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छे टर्न आउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। 4 दिन मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले अहलकार को स्कोरिंग सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा। कारकर्दगी हर माह इनामात भी दिए जाएंगे। पुलिस अहलकारों ने स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बना दिया। बगैर हुकूमती हिदायत मुकम्मल सील, बाबडा टाउन का मेन एंट्री पॉइंट खोल दिया गया। दीगर दाखिली और खारजी रास्तों से भी आमदो रफ्त जारी। टाउनशिप के सील किए गए इलाकों में भी गैर जरूरी नकलो हरकत जारी। शहर में कोरोना के मरीजों में कमी, सुबह भर में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 55,175 हो गई। 281 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक।
सुबह भर में वायरस के 565 नए केसेस सामने आए। बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग, टाउनशिप के मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा, लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। उधर रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोची की आदत में मुस्लिम टाउन के रिहायशियों का गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन कहते हैं बिजली के भारी बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती, आला हुकाम नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। बागबानपुरा में करोड़ों मालियत की 25 किनाल सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम, महकमे औकाफ की शिकायत पर पुलिस ने तामीराती काम रुकवा दिया। महकमे औकाफ के हुकाम की जमीन हथियाने की कोशिश पर कब्जा माफिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। लाहौर समेत पंजाब भर में सेहत दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, 157 फूड प्वाइंट्स के खिलाफ कार्रवाई, 53 सील, 87 को जुर्माने और 17 की प्रोडक्शन पर पाबंदी। कार्रवाई के दौरान 70 किलो दालें तल्फ कर दी गईं। कस्टम्स इंटेलिजेंस का शेरांवाला गेट के करीब छापा, गैर मुल्की साख्ता स्मगल शुदा टायरों से लदी दो मजदा गाड़ियां कब्जे में ले ली। गाड़ियों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के टायर्स बरामद कर लिए गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का बादामी बाग और अंदरूनी सिटी में ऑपरेशन, घरेलू मीटर के जरिए गैस के कमर्शियल इस्तेमाल पर 2 कनेक्शन मुनकता, जुर्माना और बिल चार्ज करने के लिए मीटर्स लेबोरेटरी भेज दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही से सेक्रेटरी जनरल विफाकुल मदारिस कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी की मुलाकात, कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही बोले उलमा की इस्लाम के लिए गिरां कदर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आला पंजाब से विफाक की वजीर साहेबजादा महबूब सुल्तान और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार उस्मान बुजार ने कहा पंजाब की तरक्की के सफर को रुकने नहीं देंगे। सुरक्षाती मंसूबों में अरकान असम्बली की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी। जब वालिदा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला थी, एन उस वक्त नवाज शरीफ को सजा सुनाने के पीछे जो मकासद थे वो आज सब पर आया हो चुके हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा 2 साल पहले अगर वापसी का फैसला ना करते तो आज जज जुर्म का एतराफ ना करता। पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, लिटन रोड के ताजी रहनुमा मलिक नाजिम और उनके भाइयों को हब से बेजा में रखना काबिल मजम्मत है। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नई मीर और ट्रेडर्स ग्रुप लिटन रोड के रहनुमाओं के मुश्तरक न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस को मसला दरपेश था तो बात करती। जबकि CCPO लाहौर ने ताजिर मलिक नाजिम को दादरसी के लिए ऑफिस बुला लिया, वाकये में कसूरवार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन में कारकर्दगी सवालिया निशान, लीगी अरकान इन हाउस परफॉर्मेंस के बजाय नंबर गेम में मसरूफ, कबाद के बरक सेवान ने करारदादें जमा करवाने के रुझान में इजाफा, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने रूल्स के खिलाफ जमा करवाई गई 1419 करारदादें मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के वफद की SP ऑपरेशन इकबाल टाउन से मुलाकात, SHO मिल्लत पार के रवैये से SP को आगाह किया। लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह ने कहा SP की जानिब से SHO के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई है। जमात इस्लामी बल्दियाती निजाम के लिए मुतहर्रिक, रहमानपुरा में जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इजलास, हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने की सूरत में अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मारूफ फलाही शख्सियत सितारा इम्तियाज, चीफ कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर आसिफ महमूद रूबा सेहत हो गए। डॉक्टर आसिफ महमूद की तीमारदारी के लिए BC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की न्यू हॉस्पिटल आमद। डायरेक्टर न्यूज 42 खुरम कलीम, सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी ने भी डॉक्टर आसिफ की मिजाज पुरसी की। डॉक्टर आसिफ महमूद मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। दावत इस्लामी डिफेंस काबीना के तहत ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद, 200 से ज्यादा आशिकान रसूल ने खून का अतिया दिया। दावत इस्लामी की जानब से 3 माह में 27,000 से ज्यादा ब्लड बैग्स का अतिया दिया जा चुका है। निगरान काबीना अब्दुल कदीर अतारी कहते हैं कि खून अतिया करने का मकसद थैलेसीमिया हेमोफीलिया समेत दीगर अमराज में मुलविस बच्चों और मरीजों का इलाज करना है।
साबिक कप्तान सलीम मलिक का आईसीसी को जवाब दाखिल करवाने का मामला। सलीम मलिक ने जवाब की तैयारी के लिए वकला से मुशावरत शुरू कर दी। साबिक कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। सलीम मलिक कहते हैं पीसीबी से राबिता या कानूनी चाराजोई दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवरों को नहलाने का अनोखा तरीका। रहमानपुरा में शहरी अपना कुर्बानी का बैल नहलाने के लिए सर्विस स्टेशन पहुंच गया। सर्विस स्टेशन इंतजामिया ने शैंपू के साथ बैल को खूब नहलाया दोहलाया। और लॉकडाउन और कोरोना के असर से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासर। 4 माह से बेरोजगार आलमी क्रिकेट खिलाड़ियों का कोच टैक्सी ड्राइवर बन गया। मॉडल टाउन अकेडमी में कोचिंग करने वाले इमरान खटक ने घर का खर्चा चलाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दी। वहाब रियाज, सलमान बट, एजाज शीमा के साथ काम करने वाले इमरान खटक का डोमेस्टिक सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा।